बहुत है मैम, बहुत है। अरे भाई ये विसर्जन करो, कपड़ा निकालो। बोला बोला उधर डालो। बोला मैं नहीं डालूंगा, एक मिनट आप रख दो, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। मैं बोलना चाहूँगी स्वच्छता पुकारी से खुशबू सिंह की, आप लोग जिस तरह से पूजा का सामग्री ला करके पूजा। राम राम भाई, कैसे आप लोग? आई हो आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं वापस से आ गया हूँ अपना सोनरेखा नदी के किनारे और यहाँ पे चल रहा है क्लीनिंग ड्राइव। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से ये एक आलोक है। हाय। ये एक आलोक है और हमारे कैमरामैन नील, आज नील भी आया हुआ है। तो हम लोग सारे लोग ऐसे मस्ती करने वाले हैं और साथ में साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए काम करते हैं अपना। तो गाइस, काम करने में पसीना निकल जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और ये हमारा उज्जवल जो काम कर रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदा पानी के अंदर, मतलब जो प्लास्टिक और दिया हंडी वगैरह मूर्ति वगैरह सारे लोग ऐसे डाल के चले जाते हैं, तो वो बहुत ख़राब होता है। क्योंकि वो मूर्ति भी तो ऐसे मिट्टी का रहता है तो गल जाता है, लेकिन लकड़ी वगैरह बच जाता है तो सड़ने लगता है, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। और वो दिया और हंडी वगैरह जो होता है वो तो नहीं गल पाता ना, वो पानी में डालना सही भी नहीं है, तो उसको निकालना पड़ता है। आजकल सुबह क्यों नहीं हो रहा, डायरेक्ट दोपहर क्यों हो रहा है? डायरेक्ट दोपहर इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है और गर्मी जल्दी सन आ जाता है हम लोग का सर पर, इसलिए हम लोग को धूप का एहसास ज़्यादा हो रहा है। और टेम्परेचर का क्या, जो बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन? टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, सबका कारण गर्मी है। अब तो गर्मी क्यों है ज़्यादा? गर्मी इसलिए क्योंकि सूरज हम लोग का धरती से सबसे क्लोज में होता है इस समय। और वो हम लोग का ही मतलब नदी वगैरह का, मतलब जो हम लोग प्लास्टिक वगैरह करते हैं उससे उसका कुछ सीन वन? प्लास्टिक वगैरह का सीन ये है, जब उसको हम लोग जलाते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है, जो कि हीट को अब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण हम लोग का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। बस नदी में जो हम लोग ऐसे दिया, जो पूजा के बाद जो होता है दिया और अगरबत्ती का जो होता है कवर वगैरह, जो उसमें प्लास्टिक वगैरह जो रहता है, हम लोग आके नदी में पैसे बहा देते हैं आस्था के नाम पे कि पूजा का सामान नदी में बहाया जाएगा, तो उसका क्या? जो पूजा का सामान हम लोग नदी में बहाते हैं तो वो पूजा का सामान कहीं जाता नहीं है और वहीं रह जाता है और जम के क्या करता है कि पानी का फ्लो को धीरे कर देता है, जो पानी और गंदा हो जाता है और पानी में रहने वाला जीव जंतु के लिए खतरनाक बन जाता है वो चीज़। और पानी जब रुक जाता है एक जगह, महकता है, गंदा हो जाता है, और जो पीने का पानी हुआ करता था पहले, अब पीने का पानी नहीं रह पाता। और जो हम लोग का स्ट्रीट डॉग गाय वगैरह जो ऐसे रोड में रहती है तो नदी में आती है पानी पीने के लिए? नदी में पानी पीने आती है और उसको कांच जो हम लोग पूजा का सामान में फेंके रहते हैं या फिर जो तुम्हारा मिट्टी का बर्तन होता है वो काफ़ी नुकीला हो जाता है टूटने के बाद, जिसकी वजह से जानवरों को तकलीफ होता है जब वो पानी में जाते हैं। और जो नदी का जो बहाव धीरे हो जाता है या पानी जो जम जाता है उससे बहुत सारा इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है? आराम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि पानी का फ्लो कम हो जाता है और पानी का जो फ्लो था नदी था वो नदी नहीं और नदी की जगह नाला बन जाता है। चलो बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे काम चल रहा है बड़ी जोर, मतलब अभी सब लोग ऐसे लगे हुए हैं और वो एक घंटी को देखो पानी के अंदर घुस के ऐसे साफ कर रही। और ये हमारा आलोक बता एक बात, यहाँ पे जो दिया और हंडी वगैरह जो पूजा पाठ वाले जो लोग हैं जो छोड़ के नदी में चले जाते हैं, उसके बारे में क्या बोलेगा तुम? देखो हम लोग का जो ट्रेडिशन था कि जो भी पूजा पाठ का सामान है उसको नदी में प्रवाहित करना,
तो मतलब बहुत पुराना ट्रेडिशन था, और जो पहले जो चीज़ें बनती थी, जो दिया होता था, जितना ही पूजा पाठ का सामान होता था वो इको फ्रेंडली होता था, मिट्टी का जो भी दिया और कलश होता था वो तुरंत घुल जाता है। लेकिन अभी जो मिट्टी दिया कलश वगैरह बनता है वो पूरा पक्का मिट्टी का, उसको बहुत टाइम लगता है घुलने में, और जैसे तुम देख सकते हो नदी का प्रभाव भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये इसमें और ज़्यादा टाइम लगता है कि वो कलश और दिया घुले। और पहले के पूजा पाठ के सामान में प्लास्टिक यूज नहीं होता था तो और नदी साफ रहती थी, लेकिन अभी के जितने पूजा के सामान देखो अधिकतर उसमें प्लास्टिक ही मिलेगा। हाँ उधर देखो वहाँ पे कितना दिख रहा है प्लास्टिक। तो लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि पूजा पाठ में सिर्फ फूल जो चीज़ पानी में घुल जाए वही डालना, लोग प्लास्टिक भी डाल के चले जाते हैं, ये तो ख़राब है। हाँ ये बात ख़राब है, ये बात उनको बताना होगा, और ये बात अगर उनको बताने जाओगे तो वो बोलेगो कि हमारे रिलीजन का है पूजा पाठ एंटी सनातनी, मतलब बहुत बहुत तरह का बात हो जाता है कि धर्म के लिए ऐसा कुछ है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे इको फ्रेंडली काम करना चाह रहे हैं। हाँ। और लोगों को भी ऐसे जागरूक करना, पूजा ऐसा बात नहीं है कि आप प्लास्टिक चढ़ाते भगवान का, प्लास्टिक थोड़ी चढ़ा, जो भगवान को अगर आप चढ़ा रहे हो वो चीज़ अगर इको फ्रेंडली है तो आप उसको नदी में डालें, नहीं तो फिर उसको पानी में ठहरा के कहीं साइड में रख दे, वो चीज़ अपना रिसाइकल होगा या फिर नदी में दब जाएगा, लेकिन ऐसे पानी में फ्लो करते करते पानी का फ्लो रुका हुआ है। हाँ, जैसे कि ये मूर्ति देख सकते हो, पहले में जो मूर्ति बनती थी वो इको फ्रेंडली बनती थी, पहले के जो मूर्ति बनाते तो पूरा मिट्टी का बनता था और मिट्टी पूरा घुल जाती थी, अभी इसमें प्लास्टिक दिख अभी रहा ना? प्लास्टिक इसे बहुत कुछ, नदी का बहाव ये रोक के रखी हुई है। वही वही ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा, इसके लिए हम लोग को अवेयरनेस करना होगा, लोगों को बताना होगा कि पहले चीज़ें ऐसे नहीं होती थी, ठीक है। उनका जो सोच है कि सब कुछ जितना भी पूजा सामान ला के नदी में डाल दो वो बदलना होगा। 15 से 30 साल में की हुआ क्यों? पहले भी वही पूजा होता था, पहले भी पाठ होता था, पहले भी नदी में सब कुछ प्रवाहित किया जाता था। क्यों? नदी का तुम एरिया देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक उतना बड़ा सरफेस एरिया में बहता था नदी का बहाव, जैसे पत्थर से तो भाई कम से कम बहुत नीचे होगा। हाँ उस समय तो नीचे होगा, दिखता ही नहीं होगा, नदी बहुत ऊँचा कहीं था, जब उसमें कुछ भी डालते थे ना, जैसे मान लो कि मूर्ति, पहले पूजा कैसा होता, मूर्ति कैसा होता था, आदमी घरे बनाता था। हाँ अभी जो मम्मी लोग तीज या जीतिया करती होगी तो देखना मूर्ति जो है अपने से बनाती है, मिट्टी का, पूरा मिट्टी का, ठीक है। इस टाइम कॉम्पिटिशन नहीं था कि हमको 30 फीट ऊँचा मिट्टी चाहिए, 40 फीट ऊँचा मिट्टी चाहिए, भाई आस्था है, नॉर्मल से मूर्ति बनता था भगवान का, वो भी कौन बनाता था, परिवार लोग मिल के बनाता था ताकि और उसमें आस्था आए, समझ गया। अभी क्या है वो नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बना दिया, घुलने में और टाइम चलेगा ही नहीं, ठीक है भाई, कंपटीशन लगा दिया। आस्था करना है, नॉर्मल से इको फ्रेंडली एक मूर्ति बना दो, अपने से अपने से मूर्ति बनाएगा लेकिन उसमें और आस्था जगेगा भगवान का, अपने से जो मूर्ति बनता वो क्या लाया तुरंत बह गया। हम लोग चल रहे हैं अभी, कहाँ चल रहे हैं हम लोग आलोक? अभी अभी हम लोग जा रहे हैं, एक आदमी को समझा देना आने के लिए, क्या उसको थोड़ा अवेयर करते हैं। चलो भाई ऐसा मत करो यार, यंग हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, पढ़े लिखे तो लग ही रहे हो। बहुत है मैम, बहुत है। अरे भाई ये विसर्जन करो, कपड़ा निकालो, मना किया इसलिए डालो, बोला मैं नहीं डालूंगा, एक मिनट आप रख दो, आप रख दो, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। अब अपना धर्म अपने हिसाब से निभा ले, प्लास्टिक कपड़ा, प्लास्टिक का मना किया। तो हमारा वॉलंटियर चश्मा पहना है, अभी नया नया चश्मा खरीद के लाया है, अच्छा से फेस दिखाओ, स्माइल प्लीज। मैं बोलना चाहूँगी स्वच्छता पुकारे से खुशबू सिंह की, आप लोग जिस तरह से पूजा का सामग्री ला करके पूजा पानी में डालते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है, और जब हम लोग मना करते हैं तो आप लोग आर्गुमेंट करते हैं कि पूजा का सामान है, आस्था का सामान है, तो हम लोग कहाँ डालें। तो क्या ये आपको लगता है कि उचित है कि आप पूजा का जो भी सामान है या गंगा जल का बॉटल है या कुछ भी, तो उसको ला के आप
नदी में डालें, तो जब नदी नहीं रहेगी तो आप बताएं आप कहाँ जाएंगे? आप गंगा नदी जाएंगे, पटना जाएंगे, या आप कहीं जाएंगे बनारस डालने के लिए? तो उस समय क्या करेंगे? तो नदी को बचाएं, क्योंकि ऐसे भी पानी का स्थिति बहुत ख़राब है और पानी इतना गंदा हो रहा है, लोग यहाँ पे आके डंपिंग ग्राउंड बना दिए कि जिसमें सारा कचरा ला के डाल दो, तो ये क्या होगा? आप यदि यहाँ पे नदियाँ नहीं रहेंगी तो आप तो पूजा का एक पानी भी नहीं ले जा सकते हैं, कलश में भर के पूजा का पानी ले जाते हैं, जब ये पूरा आप इसको गंदा कर देंगे तो आप पूजा के लिए पानी भी नहीं ले सकते हैं। तो ये इसको आस्था से मत जोड़िए, इस तरह से मत जोड़िए कि उसको गंदगी, आस्था से जोड़िए। आप इसको नदी मानते हैं, माँ मानते हैं, तो इसको पूजा कीजिए, लेकिन इसको गंदगी से मत जोड़िए, आस्था को गंदगी से मत जोड़िए कि इसको गंदा करें लाके। आस्था का मतलब नहीं है कि आप रिवर को लाके गंदा करें, उसमें कचरा डालें, और गंगा का बॉटल है, हर चीज़ पूजा का चीज़ प्लास्टिक के बॉटल में आ रहा है, तो उसको आप मत डालिए वहाँ पे लाके, वो एक फिर डस्ट हो जाता है, डस्टबिन में डालिए। जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद आप उसको नदी में ना डालें, क्योंकि अभी अभी हमने किसी को मना किया है, तो वो उसने आर्गुमेंट किया, बहस किया कि नहीं हम लोग पूजा का चीज़ है तो उसको कहाँ डालें। तो आप सोच सकते हैं कि जो बॉटल हम लोग यूज़ कर लेते हैं ख़त्म हो जाता है, गंगा जल हो, चाहे किस घी का बॉटल हो, कुछ हो, तो उसको आप उस पर मत डालिए। ये आस्था नहीं बोलता है, भगवान ये नहीं बोलते कि आप सारा चीज़ ला के इसमें डालिए। तो आप लोग ध्यान रखिए, नदियाँ हमारी है, उसे बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इसके लिए आगे आप सबको आना है। बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग का काम हो गया ख़त्म, और ड्राइव करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोग को ऐसा मैसेज भी मिला होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूजा गंगा जल जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, उसका जो पानी का बोतल होता है, हम लोग ऐसा मन में रहता है ना कि पूजा का सामान है तो पानी में बहा देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोग गंगा जल यूज कर लो, पानी का गंगा जल यूज कर लो, और बोतल जो होता है उसको आप कहीं डस्टबिन या कहीं पे ऐसे दफना दो, लेकिन नदी में मत बहाओ। तो बस इतना ही था आज का वीडियो, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बस।